ओके अज़ुबल शाहतवानी बिसमीम दिस इज़ लेक्चर नंबर फोर ये आपका लेक्चर नंबर फोर है कल थर्ड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशो ऑफ फोर्स व्हेन देर इज़ नो मीडियम टू द फोर्स

रख ले तो फिर फोर्स आपके, तो आपके, आपके, आपके पास है न्यूटन बन जाएगा तो फिर मटीरियल ऑप्शन आपके पास ट्वेंटी बी ऑप्शन आपके पास ट्वेंटी फाइव सी ऑप्शन आपके पास है फाइव डी ऑप्शन है आपके पास टू तो देखिए यही फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करना होगा जो ऊपर मैंने स्टार्ट में लिखा है आप इसको देखें जब मीडियम नहीं होता तो फोर्स हंड्रेड होता है जब आप मीडियम रख लेते हैं तो फिर फोर्स आपके पास है ये फाइव न्यूटन होता है सो दिस विल बी कैंसल आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्वेंटी ठीक है वो ऊपर वाला रेशियो इस एमसीक्यू में यूज हुआ है सो दिस इज इन अदर एमसीक्यू दैट इक्वेशन इज इंपोर्टेंट ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी का आपके पास इक्वेशन जो है दिस इज इंपॉर्टेंट अच्छा अब एक और बात याद रखिए आप लोगों ने पढ़ाई सेकेंड ईयर कोर्स में कि कोलम्बिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ क्या है फॉर एवरी एक्शन विल बी अ रिएक्शन फोर्स व्हिच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल जो है ला है जो कि आप जानते हैं तो कोलंबिक फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है ठीक है और आप ये देख सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस इपार्ट है ठीक है Q1 Q2 पे एफ वन टू फोर्स लगा रहे क्यू वन क्यू पे जो फोर्स लगा रहे वो एफ वन टू फोर्स है और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाता है वो एफ टू वन फोर्स है आपके पास कौन सा फोर्स है एफ टू वन फोर्स है ठीक है तो न्यूटन थर्डला ये कहते हैं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा टू क्यू वन पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा दोनों का मैग्नीच्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा जो कि न्यूटन थर्ड का स्टेटमेंट है तो क्यू टू क्यू वन पे भी उतनी फोर्स लगाएगा मैग्नीच्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन आपके पास है वो अपोजिट होगा ठीक है अब ये आपके पास एक सिंपल एमसीक्यू क्यू है वन चार्ज हैज वन न्यूटन फोर्स ठीक है, वन कूलम चार्ज हैज वन न्यूटन फोर्स ऑन फोर कूलम चार्ज मतलब वन कूलम चार्ज फोर कूलम चार्ज पे वन न्यूटन फोर्स को लगा रहा है वेयर आर एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ठीक है वट द फोर्स बाय फोर कूलम ऑन वन कूलम चार्ज अगर वन कूलम चार्ज वन न्यूटन फोर्स लगा रहे फोर कूलम चार्ज पे तो फोर कूलम चार्ज वन कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा अगर उसके दरमियान डिस्टेंस को हम फिक्स या कांस्टेंट रख ठीक तो है तो ऊपर मैंने लिखा है हमने ये लिखा था कि फोर्स को लंबिक फोर्स जो है ये क्यू वन और क्यू टू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू वन क्यू टू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वन क्यू वन चार्ज क्यू टू पे जितना फोर्स लगाएगा तो क्यू टू भी क्यों वन पे उतना ही फोर्स लगाएगा ठीक है उसका मैग्नीट्यूड जो भी हो ठीक है तो उसी पे मैंने कैमसी क्यू बना लिया वन न्यूट्रन फोर्स वन कूलम फोर कूलम पे लगा रहा था तो फोर कूलम वन कूलम चार्ज पे भी वन न्यूटन फोर्स को लगाएगा सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ये वही कूलम्स ला और बे न्यूटन थर्ड ला उसी से मैंने एक मॉडल एमसीक्यू बना लिया ठीक है तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं दीज आर द मॉडल एमसीक्यू ठीक है इन द कूलम्स ला अच्छा अब हम आगे जा रहे हैं कूलम्स ला में एक सेंटेंस लिखा गया है कि कूलम्स ला या कोलम्बिक फोर्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं इसको लिख लेता हूं याद रखे कि कोलंबिक फोर्स या इसको हम इलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्स बी कहते हैं इसको तो हम अलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्स बी कहते हैं इट ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इट ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। अगर आप कोलम जिला में देखें तो ये एक सेंटेंस लिखा गया है ठीक है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास क्या है मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से आप लोगों को समझा देता हूँ ये आपके पास लेट सपोज चार्जेस है ये क्यू वन है ठीक है यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट आर वन डिस्टेंस पे है यहाँ पर चार्ज क्यू टू है ठीक है ये आर टू डिस्टेंस पे है ठीक है और ये आपके पास एन चार्ज है दिस इज क्यू एन और ये आपके पास आर एन डिस्टेंस पे है ठीक है ये आपके पास एन चार्जेस है दिस इज एन चार्जेस दस है बीस है सौ है हमने जनरल इसको लिख लिए एन चार्जेस आप देखिए ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है दिस इज अ टेस्ट चार्ज अब Q1 से Q0 तक जो डिस्टेंस है वो R1 है Q2 से Q0 तक जो डिस्टेंस है दिस इज R2 और Qn से आपके पास Q0 तक जो डिस्टेंस है दिस इज RN। एन हर एक पॉइंट चार्ज है लेट सपोज ये आपके पास एन चार्जेस और ये आपके पास पॉइंट चार्जेज है ठीक है तो अगर ये एन चार्जेस है यहां पर ठीक है और ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है तो ये एन चार्जेस आपके पास इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है और इसके डिस्टेंस आर वन आर टू ये आपके पास क्या है आर एन है ठीक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास ये होता है कि आप क्या करें आप एक एक पॉइंट चार्ज का फोर्स टेस्ट चार्ज पे मालूम करें और उसको आप एड कर जाए तो वी विल गेट द टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास ये है एफ टी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन ठीक है ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है मीन्स द सम ऑफ फोर्सेज इट मीन्स के टोटल फोर्स आपके पास होगा दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेज बाय ऑल पॉइंट charges sum of forces by all point charges ठीक है ऑन टेस्ट चार्ज ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है मतलब अगर आपके पास एन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप हर एक चार्ज का फोर्स मालूम करें टेस्ट चार्ज पे और उसको फिर आप एड कर जाए तो वी विल गेट द टोटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज आप टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स को जो है वो हासिल कर लेंगे ठीक है तो ये आपके पास जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अलाते हैं तो आपके बुक ने एक सेंटेंस लिखा है मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया तो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है या कोलंबिक फोर्स जो है ठीक है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है ओबे करता है सो दिस इज बेसिकली द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो ये कोलमजिला और इसमें से आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिर भी अगर ऐसा कोई एम आपके सामने आ जाए कोई कंसेप्ट आपके सामने आ जाए ठीक है तो आप जो है जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस पर आप वॉइस मैसेज करें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ उस पर खाल मत करें ठीक है उस पे पर जस्ट वॉइस मैसेज करें जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो या टेक्स्ट करें वो मोबाइल एक पुराना सा मोबाइल है और उसका स्पीकर भी ख़राब है ठीक है तो वो जब यहाँ पर मैं आता हूँ तो वो क्वेश्चन में सुन लेता हूँ देख लेता हूँ या घर में जब इब्राहिम मुझे दे देता है ठीक है तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो इसलिए आप उस पर कॉल मत करें वो आ, आ, रेगुलर नंबर नहीं है वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए तो इसीलिए आप उस पर वॉइस मैसेज करें ठीक है या टेक्स्ट मैसेज करें तो इन एक दिन या दो दिन में ज़रूर मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताऊंगा ठीक है तो आ, ये आपके पास कोल अमज़िला में आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको कोई ऐसे एम सामने आ जाए जो कि आपको नहीं आ रहा को अमज़िला से रिलेटेड तो आप वो सेंड करें ठीक है तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करूंगा ठीक है और आपको भी वहां पर मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा अच्छा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है ठीक है कोई चार्ज है कोई भी चार्ज इसका फील्ड आप स्टी कह रहे तो उसको आप सोर्स चार्ज कह सकते मैंने पहले आपको बताया था ठीक है तो लेट सपोज यह आपके पास एक सोर्स चार्ज है हर सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में जब आप टेस्ट चार्ज को एंटर कर लेते हैं तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है फिर रिपीट कराऊ किसी भी सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जहां पर आप टेस्ट चार्ज को एंटर करें और वो फोर्स एक्सपीरियंस करें तो फिर वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप देख सकते हैं मैं अगर टेस्ट चार्ज एंटर करूं दिस इज अ टेस्ट चार्ज एंड यहां पर आपके पास फोर्स लग जाए इस टेस्ट चार्ज पे तो फिर इसको हम कहते हैं दिस रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है दिस इज वेक्टर फील्ड ये आपके पास वेक्टर फील्ड है ठीक है और वेक्टर फील्ड का मतलब यह है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसका मैग्नीच्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है हर पॉइंट पे ठीक है दूसरी बात दिस इज आ रियल फील्ड ये रियल फील्ड है रियल फील्ड का मतलब यह होता है यह रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ठीक है ये इमेजनरी नहीं है यह रियलिटी में एग्जिस्ट करता है सो दिस इज आ रियल फील्ड दिस इज नॉट इमेजनरी ये इमेजनरी नहीं है ठीक है यह आपके पास एक रियल फील्ड है हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके पास है वो इमेजनरी लाइन्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है वो एक रियल फील्ड होता है और ये वैक्टर फील्ड भी होता है और वैक्टर फील्ड का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीच्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है हर एक पॉइंट पर ठीक है इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ठीक है हम पढ़ेंगे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज उससे आप डायरेक्शन के बारे में भी बता सकते हैं और फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे तो देखिए सोर चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जहां पर वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सके उस रीजन को बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके सामने है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो फेराडे ने दिया था कंसेप्ट गिवन बाय फेराडे ठीक है फेराडे ने वेक्टर सॉरी फील्ड का कंसेप्ट दिया था ठीक है और उस फेराडे ने ये भी कहा था ठीक है बाय फेराडे बाय फेराडे आपके पास फोर्स का जो कास है फोर्स का जो कास है वो ओवर ऑफ फील्ड है ठीक है कूलम्स ला कूलम्स ने जब इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स को मालूम करने के लिए एक लाह में दिया था उस टाइम फील्ड का कंसेप्ट नहीं था फील्ड का कंसेप्ट बाद में आया था ठीक है फिर इसका कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास दो चार्जेस है ये आपके पास एक चार्ज है दिस इज क्यू वन और दूसरा चार्ज आपके पास ये है दिस इज क्यू टू ठीक है क्यू वन और ये क्यू टू ये ब्लू, ब्लू चार्ज का फील्ड है या रेड इस रेड चार्ज का फील्ड है तो यहां पर अगर आप देखें नो ओवर लेपिंग ऑफ फील्ड नो ओवर लेपिंग ऑफ फील्ड सो नो फोर्स इसके दरमियान कोई फोर्स नहीं होगा ये फैरडे ने बताया था ठीक है और अगर यह आपके पास क्यू वन चार्ज है और यह आपके पास क्यू टू चार्ज है ठीक है यह आपके पास क्यू वन यह आपके पास क्यू टू चार्ज है अगर आप लोग देख ले तो यहां पर इसने ओवरलेप कर लिया है ठीक है फील्ड्स ओवरलेप फील्ड्स ओवरलेप कर गए दोनों के फील्ड्स आप देख सकते हैं वो ओवरलेप कर गए ठीक है तो जब फील्ड्स ओवरलेप कर गए तो अब फोर्स आपके पास नॉन जीरो होगा ठीक है और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलेपिंग ऑफ फील्ड्स, अगर दो चार्जेस के फील्ड्स ज्यादा ओवरलेप कर जाए तो वो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स को लगाएंगे और अगर कम फील्ड ओवरलेप कर जाए ठीक है तो कम फोर्स वो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो द ओवरलेपिंग ऑफ फील्ड्स। ये कंसेप्ट बेसिकली दिया था फेराडे ने कूलम्स के जमाने में ये कंसेप्ट नहीं था कूलम ने ये कंसेप्ट दिया था कि आप दो चार्जेस को इतना करीब ले आए कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सके फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोडक्ट ऑफ्च्यप होंगे वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा ठीक है और अगर फील्ड ओवरलेप नहीं होंगे तो फिर वो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे ठीक है मैं अक्सर स्टूडेंट्स की सिंपल मिसाल इस तरह देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के अपने अपने बाउंड्रीज है ठीक है तो वो आ, जो है अपने अपने इलाकों में है तो वो एक दूसरे पे जो है वो जारहियत नहीं कर सकते मतलब ये ला के खिलाफ होगा लेकिन अगर इंडिया का फौजी पाकिस्तान में एंटर हो जाए या पाकिस्तान का इंडिया में एंटर हो जाए तो फिर ऑबियसली उसको रेजिस्टेंस होगा ठीक है तो इसी तरह चार्जेस के इर्द गिर्द भी फील्ड जब व कर जाते हैं ठीक है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ठीक है तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट था ठीक है अच्छा अब यहां पर हम डिस्कस कर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको हम कह सकते हैं या फील्ड स्ट्रेंथ भी हम इसको कह सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बात याद रखे दिस इज ई और यहां पर हम एक मैथमेटिकल टूल लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट यह आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है डिफिनीशन आपको जरूर आता होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो मैथमेटिकल टूल है और इसका मतलब आपके पास होता है कि क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल मैंने एक बात की थी याद रखे फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट चार्ज के बारे में कि जब एक बात तो मैंने आपको यह बताई थी कि द प्राइमरी सोर्स टू स्टडी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स चार्ज वो टेस्ट चार्ज होता है ठीक है और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड सोर चार्ज के मैग्नीट्यूड से स्मॉल रखा जाता है एक बात यहां पर याद रखिए यह अभी मैं डिस्कस करवा रहा हूं ठीक है तो याद रखे जब भी आप टेस्ट चार्ज के जरिए से सोर चार्ज के फिल स्ट्रेंथ को मालूम करना चाहते हैं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने स्मॉल से स्मॉल रखना होगा आप में से स्टूडेंट्स अक्सर यह पूछते हैं कि सर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूट को क्यों इस्तेमाल रखते हैं तो एक बात याद रखिए टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्यों स्माल से इस्तेमाल रखा जाता है तो इसका जवाब सुने सोर्स चार्ज का फील्ड स्ट्रेंथ हम रियलिटी में मालूम करना चाहते हैं ठीक है किस चीज को इस्तेमाल करके टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को हम मालूम करना चाहते हैं लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया ये न्यूटन थर्ड लॉ करता है ठीक है एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाते तो दूसरा चार्ज उस पर भी उतना ही फोर्स लगाता है ठीक है तो टेस्ट चार्ज एक जरिया है चार्ज के स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे मैं अगर यहां पर लू ये आपके पास एक सोर चार्ज है क्यू ठीक है और इस पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज को रख लू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख लू तो इस पॉइंट पे ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दिस इज द फोर्स अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख लू तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और हमने तो डिस्कस किया था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस ये क्यू है आपके पास या आपके पास क्यू नाट है ठीक है तो देखिए मैं इस नॉट के मैग्नीट्यूड को जितना स्माल से स्माल करूँगा तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन कम से कम होगा अगर आप बुक में देखें तो आपका बुक क्या लिखता है कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप जितना स्माल रखते हैं तो उतना वो सोर्स चार्ज के फील्ड को कम डिस्टर्ब करता है या डिस्टॉर्ट करता है लेकिन इसके आसान अल्फाज में जवाब यह है कि टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल से स्मॉल रखते हैं ताकि जिस पॉइंट पे हम सोर चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करें ठीक है वहां पर टेस्ट चार्ज का इफेक्ट कम से कम हो जाए क्यों? क्योंकि हम सोर चार्ज का फील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर रहे हैं टेस्ट तो चार्ज का नहीं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना आप स्माल से इस्तेमाल करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम से कम होता जाएगा तो इसलिए रियलिटी में इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो जो है वो सोर्स चार्ज की वजह से होगा हाँ अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आइडियल टेस्ट चार्ज पॉसिबल है कि जो कि 100 परसेंट एकट सोर्स चार्ज की फिल स्ट्रेंथ को मैयर कर सके तो मैं आपको जवाब दूंगा नो। आइडियल टेस्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या मतलब है आइडियल टेस्ट चार्ज का मतलब कि क्यों पॉसिबल नहीं है आइडियल टेस्ट चार्ज का मतलब होगा जीरो कूलम चार्ज क्योंकि तो उसका मैग्नीट्यूड जब हम जीरो करेंगे ना तो उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है जो कि पॉसिबल अब चार्ज है ही नहीं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो फिर आप इसको किस तरह मेजर करेंगे ठीक है तो इसलिए यहां पर टेस्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन कम से कम करने के लिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल से स्मॉल रखा जाता है यह आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने किया ठीक है तो जब रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है तो वहां पर ये बात की जाती है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल से स्मॉल कितना स्मॉल अगर मैं लू वन कूलम चार्ज ठीक है और मैं एक प्रोटॉन लू तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड वो बहुत ज्यादा स्मॉल है वन कूलम चार्ज मैग्नीट्यूड से ठीक है तो वन प्रोटॉन एक टेस्ट चार्ज होगा वन कूलम चार्ज के लिए तो याद रखिए क्यू नॉट आपके पास स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट ठीक है ये आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ है दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज ठीक है और ये फील्ड स्ट्रेंथ ऑफसोर्स चार्ज हम मैयर हैं किस चीज से मैयर हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड क्या मतलब है इसका देखिए फोर्स कौन एक्सपीरियंस कह रहे हैं चार्ज फोर्स कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस कह रहा है टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कह रहा है और वही फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कह रहा है वो आपको किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ का इंफॉर्मेशन दे रहा है फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कह रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन आपको फील्ड स्ट्रेंथ का सोर्स चार्ज के बारे में आपको बता रहा है ठीक है तो ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट ठीक है ये बात याद रखें अच्छा अब यहां पर ये यह फोर्स इसका मतलब ये फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड ये वेक्टर है ठीक है डायरेक्टेड अलॉन्ग अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ठीक है फोर्स आपके पास फील स्ट्रेंथ दिस विल बी डायरेक्टेड अलॉन्ग अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज और याद रखे फॉर मैग्नीट्यूड फॉर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। क्या मतलब है देखिए एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पे तेन न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कह रहे हैं लेकिन दूसरे पॉइंट पे किसी और पॉइंट पे वन न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कह रहे हैं एक पॉइंट पे टेन न्यूटन टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कह रहे हैं दूसरे पॉइंट पे वन न्यूटन टेस्ट चार्ज वही टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कह रहे उसी सोर्स चार्ज के फील्ड में तो फिर फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगा जहां पर वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कह रहे हैं टेन न्यूटन पर फर्कुल जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और जहां पर वन लीटर पर कूलम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कम है तो इसका मतलब यह है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है ठीक है और जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बता रहे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड व्हाई बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ठीक है और ये हमें फील स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं इसका यूनिट क्या है तो यूनिट सिंपली आप यहां से मालूम कर सकते हैं ठीक है वन न्यूटन डिवाइड बाय वन कूलम सो न्यूटन पर कूलम ठीक है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं शॉर्टकट में न्यूटन कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन कूलम ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो इसका यूनिट है इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है और मीटर पर कूलम भी है लेकिन चूंकि वोल्ट पर मीटर तक अभी हम नहीं गए वो पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक में ठीक है, है वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे सो दिस इज द यूनिट और याद रखिये ये इक्वेशन आपके पास जो है ई इज इक्वल टू ये प्रीवियस पेपर में अगर आप देखें तो प्रीवियस मेडिकल ई के टेस्ट में अगर आप देख ले तो ये एम सी क्यू उसमें मौजूद है दिस इज द इन अलॉग दिस इज द इन अलॉग इक्वेशन ऑफ जीज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय एम ये किस चीज को जो है मैयर कर है याद रखे ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इन अलॉग का मतलब क्या होता है अलाक का मतलब होता है सेम बिहेवियर तो याद रखे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेट पर यूनिट मास और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ठीक है और यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे और ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे स्मॉल जी जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं वो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। और ये इक्वेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। तो दोनों का काम क्या है फील्ड स्ट्रेंथ मैयर करना दोनों का काम है फील्ड स्ट्रेंथ मयर करना इसीलिए हम कहते हैं दीज आर इक्वेशन सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है ठीक है तो ये बात याद रखे ये मैं लिख लेता हूं एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट एन अलाव इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ठीक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट चार्ज ये कंसेप्ट बी फेराडे ने दिया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये भी फेराडे ने यह कंसेप्ट दिया था ठीक है अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Due to a point charge, electric field intensity due to a point charge E. Due to a point charge. ठीक है और ये भी आपके पास जो है ला। ये भी कोुलमजला है अच्छा ठीक है किस तरह वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा सिर्फ मैंने हेडिंग में लिख लिया ए ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज देखिए ये अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है दिस इज अ पॉइंट सोर्स चार्ज मैं आर डिस्टेंस पे मैं आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है और मैं डिस्टेंस पे P पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर uh, में कि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो टेस्ट हो चार्ज होता है जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज को का मालूम करने के लिए ठीक है तो ये सोर्स चार्ज है और आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा वही मैं प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करूंगा ठीक है और प्राइमरी सोर्स को इस्तेमाल करने के बाद में एक ऐसा इक्वेशन डिराइव कर लूंगा कि जिसमें फिर आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आएगा ठीक है तो देखिए मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख लूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए प्राइमरी सोर्स वो चार्ज होता है ठीक है अच्छा अब यहां पर आप देखें मेरे पास है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन के बजाय क्यू क्यू टू के बजाय क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वेयर ठीक है इसको मैंने लिख लिया दिस इज इक्वेशन वन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज ठीक है इसको मैंने टू लिख लिया तो अगर आप लोग वन को उठाकर पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू आप वन को टू में पुट कर लें ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय क्यू नॉट दिस इज कैंसल e इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर ये आपके पास इक्वेशन आ गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों आपके पास पॉइंट सोर्स चार्ज है अब इस इक्वेशन में देखें आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आ रहा टेस्ट चार्ज खत्म होगी कैंसल हो गया तो देखें हमने टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके एक ऐसा इक्वेशन निकाल लिया कि जिसमें टेस्ट चार्ज नहीं है टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके हमने एक ऐसा इक्वेशन निकाल लिया कि जिसमें टेस्ट चार्ज कैंसिल हुआ और यह इक्वेशन क्लियर कट आपको बता रहे हैं। कि अब टेस्ट चार्ज के बगैर भी इस इक्वेशन से आप सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड स्ट्रेंथ को किसी भी पॉइंट पे मालूम कर सकते अगर मैं इसका वैक्टोरियल फॉर्म लिख लो या वैक्टर फॉर्म लिख लो ठीक है तो ये आपके पास वैक्टर फॉर्म बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क इन आर यूनिट वैक्टर ये इसका वैक्टर फॉर्म बन जाएगा तो क्लियर कट आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज q और r आपके पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज है तो देखिए अब ये आपके पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया है कि जिसमें टेस्ट चार्ज के बगैर हम सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं देखिए प्राइमरी सोर्स तो टेस्ट चार्ज है इसके बाद हम इस चैप्टर में जाएंगे और मतलब

एंड विदाउट नोइंग अ सोर्स चार्ज आप फ्लक्स से फिर फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते होंगे तो इस चैप्टर में हम यही तरीके सीखेंगे ठीक है और हम इसको कूल्ला भी कहते हैं हम इसको ला क्यों कहते हैं हम यहां पर कहते हैं कि दिस इज कूल अमजला दिस इज कूल अमजला लेकिन मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेता हूं फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ये कूलम ला है क्या मतलब है ये क्यू नॉट को अगर आप वन ले लें वन कूलम ले लें ठीक है तो आप देखें ना एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर अगर क्यू नाट को मैं वन लेख लूँ कि क्यू डिवाइड जो कि ई e ही है So, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज कूलम्स ला ये भी आपके पास है कूलम्स ला है अच्छा देखिए ये जस्ट मैंने इसको प्रूव कर लिया बाकी इसमें थोड़ा सा जनरल डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इन उम्मीद है उम्मीद है कि आ, दो जुलाई को मीटिंग है गवर्नमेंट का तो यूनिवर्सिटीज़ और हाई लेवल्स क्लासेस मेरे ख्याल में इन ये अलाउ कर रहे हैं ठीक है तो उम्मीद तो ये की जाती है इनशाला हम उससे रिलेटेड तमाम इंतज़ाम आपके लिए कम्प्लीट कर लेंगे अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो आ, कुछ दिनों का गेप देकर हम क्लासेस इनशाला शुरू करेंगे आपके लिए सैनिटाइज़र गेट्स वगैरह और वो चीज़ें हम इनशाला तैयार कर लेंगे ठीक है अपना ख्याल आप भी रखेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपका ख्याल रखा जाए ठीक है इनशाला उम्मीद है कि वो जल्द जो है आप हमें एकेडमी में क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे और क्लासेस में बैठ कर आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द जो है एजुकेशन सेक्टर खोला जा रहा है तो उस टाइम तक आप लोग ऑनलाइन ही अपने आप को इंगेज रखें स्टडी करें टेंशन मत लें ठीक है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से इंगेज रखें थैंक यू सो मच